तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 7 मैथमेटिक्स क्लास 9 जो कि आपको 21 अक्टूबर को प्रोवाइड किया गया इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में दो दिन पहले अपलोड हो गई थी, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, और जो कल साइंस की असेसमेंट 7 आएगी वो भी अपलोड है, देख सकते हो, और इंपॉर्टेंट वर्कशीट 42 भी अपलोड है मैथ की, वो भी देख सकते हो फुल एक्सप्लेन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका 10 नंबर का है। सबसे पहले इस चित्र को देखो, इसमें क्या है, पिक्चर में तीन साइड है ट्राइंगल की, ये 50 है, ये 50, ये 80 और ये कितना है 120, और बीच में इतना छोड़ा गया है, ठीक है ना, ये 3 मीटर किस लिए, डोर गेट के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। और कितने रुपए की दर से खर्च बोल रहा है, देखो वायर बिछाना है 20 पर मीटर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, तीन चीज़ें। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सेमी पेरीमीटर निकालना। सेमी पेरीमीटर बराबर होता है तीनों साइडों का आधा, तो ये क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए मान लो 120, 120 प्लस बी मान लिया 80, सी मान लिया 50, ठीक है, बाई टू। इसको टोटल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 250 बाई टू, और डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा मीटर, ठीक है ना। तो फर्स्ट में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है फर्स्ट में, 125 मीटर। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कंप्लीट होता है, हाफ का डबल होता है, तो पेरीमीटर को ऐसे फॉर्मूला चाहो तो लिख लो, पी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल करोगे 120, 80 और कितना 50, तो बराबर कितना आ जाएगा 250, ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 250, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, तो सेकंड में क्या हो जाएगा आपका 250, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट में बी था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, तो देखो 250 था ही, टोटल पेरीमीटर निकाला, इसमें से गेट के लिए 3 छोड़ा गया, ठीक है ना, 3 मीटर, तो माइनस कर दो 247 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए गेट के लिए जो छोड़ा गया कितना निकला 247, कितने रुपए की दर से बोल रहा है 20, ऊपर क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 4 2 7 14, 2 4 8 19, 2 2 4 कितना आ गया 4940, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला 5 क्वेश्चन, इसमें सी ऑप्शन राइट है, इसका पहले सॉल्यूशन देख लो एक बार, ठीक है, 5 के लिए ये इसका सॉल्यूशन है, हिंदी मीडियम में लिखा जाता है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, एस निकाल लेंगे 125, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हीरोन के फॉर्मूले से रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, इसकी वैल्यू रख देंगे ए पर ए, बी पर बी, सी पर सी, एस पर एस 125, सॉल्व करने पर कितना आएगा हमारा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 5 में हमारा, ए ऑप्शन, ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन है 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। 4 में कौन सा था, फर्स्ट के 4 में सी ऑप्शन था, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। आगे सेकंड देखो ध्यान से, अब इसमें पहला क्वेश्चन, फाइंड द ईयर इन विच द बजट वाज 8500 करोड़, ये देखो इधर करोड़ है और इधर ईयर्स है नीचे, ठीक है, तो इसमें 8500 ये आ रहा ना, एक मिनट इसको जूम करता हूँ तो समझ में आएगा, ठीक है, तो ये 8005 ये आ रहा है बीच में, ये किस पे आ रहा है, यहाँ पर पहुँचा, कौन सा ईयर निकल रहा है ये हमारा 2018 2019,
ठीक है। तो फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन लगाओगे? फर्स्ट में ऑप्शन लगाना है आपको ए, ठीक है ना। फर्स्ट में आपका 2018-19 बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, 2018-19, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द ईयर इन विच द बजट वाज मैक्सिमम। तो अधिकाधिक में कितना है, सबसे ज़्यादा किस पे जा रहा है, देखो ध्यान से, ये जा रहा है 10,000 पे सबसे ऊंचा। कौन से ईयर में है ये? 2019-20, ठीक है। तो सेकंड में क्या लगाओगे ऑप्शन? सेकंड में हमारा ऑप्शन आएगा बच्चों सी, ठीक है, 2019-2020। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल बजट बिटवीन 2018-20। फिर से चित्र को देखो, 2018-20, 2018 और 20, ये तो इसमें कितना दिया है, 2018 में हमारा आया था 8,500 प्लस, और 2020 में कितना जा रहा है हमारा, ये 10,000, तो इसमें प्लस 10,000 कर देंगे, ठीक है। कितना आ गया, 18,500, ठीक है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है ये, 18,500 डी, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन फोर कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज 5 ईयर, एवरेज निकालेंगे। तो फिर से देखो एक बार, चित्र को देखो पहले, एवरेज, तो हम एवरेज निकालेंगे, तो इसका कितना है, 10,000 प्लस इसका कितना है, 8,500। वैसे ये 8 और 10 के बीच में 9 होना चाहिए, ठीक है, प्लस ये कितना है, ये 8,000, ठीक है, प्लस ये कितना है, 6,000 प्लस ये कितना है, अगर हम अप्रोक्स में मानेंगे तो ये 8,500 था, तो ये 2,500 हो जाएगा, 2,500, ठीक है। तो टोटल जोड़ेंगे, बटे जोड़ने के बाद में इसको 5 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 7,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7,000, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मिनट, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, विच व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन बजट 2018-19, 2016-17। तो डिफरेंट निकालना है, तो डिफरेंट के लिए क्या करेंगे, 2016-17 इसका कितना है, और 2018-19 इसका कितना था, 8,005, ठीक है ना, 18-19 यही है। तो हम 8,500 में से डिफरेंट माइनस कर देंगे, इसका 2,000 कितना, 500, कितना आ जाएगा हमारा, 6,000, ठीक है। और या फिर अगर अप्रोक्स में नहीं मानना तो ऐसे मानो, 3 होगा, 2 और 4 के बीच में 3,000 आएगा, पता है 3 पे जा रहा है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है अप्रोक्स में, तो ये कितना होगा हमारा, 9 होगा, ठीक है ना। अगर हम 9 क्लियर के अकॉर्डिंग मानेंगे तो 9 में से 6 निकालेंगे तब भी कितना आएगा, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी, 6,000, क्लियर है। ये थी असेसमेंट 7 इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट हुई। कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।